बेटे आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, आ रही है। जैनब, लास्ट टाइम क्या किया था बेटा? कौन से टॉपिक किया था? हाँ, याद ही नहीं होगा इन लड़ाइकों को। नहीं है ना याद? क्या होगा तुम लोगों का, ये बताओ। तो मैं देखता हूँ, मैंने तुम लोगों से कहा है कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ उसको बुक को पढ़ते रहो, तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। मलेरिया किया था लास्ट टाइम। चलो भाई, सिम्टम ऑफ मलेरिया भी लिखते हैं जरा, ताकि ये फाइनल हो। आगे शुरू करेंगे। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। हाई ग्रेड फीवर, टू 106 फॉरेनहाइट। इस पे तो डेथ ही है। सर्दी लगती है शदीद। नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, अच्छा जी, नया टॉपिक शुरू करते, चैप्टर नहीं टॉपिक, प्लांट लाइक प्रोटोप्लास्टा। वो जो थे वो एनिमल लाइक थे, ये हो गया प्लांट लाइक प्रोटोप्लास्टा। अच्छा, मैंने मलेरिया की साइकिल से पहले प्रोटोजोआ करवाया है नहीं करवाया है, पहले देखना है मुझे। हाँ करवाया सर। चेंज कर सकते हैं। प्लांट लाइक प्रोटोप्लास्ट में हमारे पास आ जाता है एलजी। तो प्लांट लाइक फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल है वो बिल्कुल प्लांट की तरह सेलुलोज की बनी हुई है।
प्रिजम्स ऑफ क्लोरोफिल ऑटोट्रॉफिक. ठीक है जी. अब वो फीचर जो कि डिफरेंट है प्लांट से, क्योंकि सारे हैं तो ये यूनिसेल्युलर फीचर्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट. Their body is thallus, root, leaves are absent, they are motile. They are acutic. Plants are सबके सब acutic नहीं होते, motile तो बिल्कुल ही नहीं होते. Okay, पहला fungi. Chlorella. यूनिसेल्यूलर है बट मल्टी सेल्यूलर के जैसे नजर आता है. इट्स यूनिसेल्यूलर सॉलिटरी फ्रेश वाटर ग्रीन algae. तो इस ऐसे क्लोरोफिल लगता है इसलिए उसको ग्रीन एल्जी कहते हैं. हैव कप शेप क्लोरोप्लास्ट with or without pyrenoid, any the food storage. Nutrition autotrophic photosynthetic reproduction का जो तरीकेकार है होता है ऑन दी एसेक्चुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं हो सकती, गैमेट्स नहीं बनते. यूनिसेल्यूलर डिजाइन अच्छा, ये जो छोटे सेल्स होते हैं ना, यूक्लिडा हो गया, एल्जी हो गया, इन सब के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो होता तो स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल बना हुआ होता है जिसका नाम होता है पायरेनोइड, उसके अंदर का. अच्छा, एस एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो भी बाय एप्लानोस्पोर्स हो रही है. एप्लानोस्पोर्स एक बहुत डिफरेंट किस्म के स्पोर्स है. मैं अभी की डायग्राम आपको समझाता हूँ. एप्लानोस्पोर्स देयर आर नॉन मोटाइल स्पोर्स
स्पोर्स विदाउट फ्लैजेला. अब ये राउंड सा हमारे पास है कॉलोरीला, ये है इसका न्यूक्लियस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक छोटा सा स्टोरेज ऑफ फूड जिसका नाम है पायरानोइट. ये रहा इसका साइटोप्लाज्म. माइक्रोस्कोप में जब हम इसे देखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह की शक्ल में हमें नजर आता है. इसके रिप्रोडक्शन का तरीकाकार कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहला काम ये होता है इसमें मौजूद न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पायरानोइड, साइटोप्लाज्म सबका सब छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा और अंदर 8 to 16 राउंड बॉडीज बनेंगी. हर एक के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, पायरानोइड, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सब होंगे. यानी हर कंपोनेंट छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया और जो अंदर की सेल वॉल है, क्योंकि ज्यादा सेल वॉल तो डबल होती है, अंदर की जो सेल वॉल है वो उसकी बाउंड्री. साइटोप्लाज्म भी एज इट इज. अब हुआ ये कि बनने के बाद इसकी आउटर मेम्ब्रेन रप्चर हुई और अंदर से सारी राउंड बॉडीज, इन्हीं को हम एप्लानोस्पोर कहते हैं, बाहर आ. और बाहर आने वाले हर एक एप्लानोस्पोर ने ग्रोथ करके वापस इसी साइज में कन्वर्ट हो गए. दे नोन एज अ एप्लानोस्पोर. अच्छा, एट टू 16. देखो, अगर मैं तुमसे ये कहता कि कॉलोरीला की रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर हो रही है, तो स्पोर में ऐसे बनाता कि जिस जगह जाके फॉल होते वहां पर पहले खुद को डेवलप करते, कंपोनेंट बनाते अपने, देन ग्रोथ करते.
मगर जो एप्लानोस्पोर्स हैं ऑलरेडी डेवलप्ड, उनको जस्ट एंड जस्ट अगर किसी चीज की नीड है तो वो नीड है उनको ग्रोथ करने। तो एप्लानोस्पोर और नॉर्मल स्पोर में फर्क इतना सा है कि जो नॉर्मल स्पोर होते हैं वो डेवलप नहीं होते, वो पहले जाकर किसी जगह फॉल होते हैं, वहां पे खुद को डेवलप करते हैं, देन अपनी ग्रोथ करके ओरिजिनल साइज के अंदर कन्वर्ट। ठीक है जी। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसकी, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंटीबायोटिक क्लोरीन इज ड्राइव बनाते हैं इससे, ड्राइव फ्रॉम क्लोरीन। यूज्ड एज अ सोर्स use for clinic also used in photosynthetic research experiment it's a unicellular solitary freshwater green algae spindle shape shows characters of both, किसका मेंबर था ये, क्लास फ्लैजेलिटा का मेंबर था, लेकिन इसका एक मसला है, यूग्लिना की कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल लाए गए कुछ प्लांट लाए गए, तो हम इसको नहीं समझ पाते कि एक्चुअली हम इसे कहाँ रखें, हम इसे एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एनिमल लाइक रखें या सब प्लांट लाइक रखें। बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स plant like characters uski do naam characteristics hai right? presence of chloroplast store
food in the form of starch, autotrophic, क्योंकि शायद इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वैसे ही है ऑटोट्रॉपिक। अच्छा जी, अब अगर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, बेटे एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मोटाइल, प्रेजेंस ऑफ extension, pigment, जिसकी वजह से कलरफुल नजर आता। Sometime hydrotrophic, अगर इसका क्लोरोफिल खत्म हो जाए तो मरता नहीं, बल्कि फूड पार्टिकल्स यूज करना शुरू कर देता है, फूड वैक्यूल भी क्योंकि इसके अंदर, इसलिए hydrotrophic। Hydrotrophic स्पेलिंग बहुत गलत लिखी है। अब आते हैं जरा दूसरी एलजी के ऊपर। द नेम इज अल्बा। ये मल्टी सेल्यूलर है, एक्चुअली ये है यूनी सेल्यूलर, पर एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बना के रहती है, इसकी मल्टी सेल्यूलर कहलाती है। Commonly called sea lettuce, multicellular sedentary, यानी सेसाइल मैरीन एल्जी। सेल्स ऑफ अल्बा are arranged into vertical rows at the base of alva, straight like a structure hold fast is present. Shows both
सेक्सुअल एंड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्रोसेस को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्वा शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अच्छा जी, मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. देखिए अलवा, ये दो किस्म के एलजी प्लांट्स होते हैं. अलवा में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 26 है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 26. तो बेटा गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा हाफ हो जाते हैं, यानी 39. ओके, पहले इसको जरा सुन. अलवा स्पोरोफाइट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26. जहां मुझे 26 लिखने होंगे वहां मैं 2n लिखूंगा. जहां मुझे 26 लिखना होगा मैं 2n लिखूंगा. जहां मुझे 13 लिखना होगा मैं n लिखूंगा. प्रोसेस हुआ प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस में आपको पता है हमेशा 4 सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. मैं 2 बना रहा, फ्लैजिला वाले मैंने 2 बनाए, बने 4. मैंने इनको नाम दिया जू स्पोर्स. स्पोर कह सकता हूँ. स्पोरोगैमेट में फर्क सिर्फ यही है कि स्पोर को किसी और से फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं है. गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं. तो जू स्पोर्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम 13 यानी एन. और जू वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला है. जिसमें फ्लैजिला है उसको जू के टर्म से याद कर. चलिए जी, इन दोनों से बने एक एक नए एलजी. ये बना दूसरा एलजी. अब जब ये डायरेक्टली ग्रोथ होके बने तो यकीन है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ ही होंगे. अलवा गैमेटोफाइट एन, क्योंकि बेटा ये तो फर्टिलाइज तो नहीं हुआ ना, ये तो डायरेक्ट डेवलप हो गया. इन सब करवाओ जरा माइटोसिस. इसमें भी माइटोसिस कराओ, इसमें भी माइटोसिस कराओ. माइटोसिस में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं. ये बने हैं जू गैमेट्स. जू की टर्म्स की यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें फ्लैजेला है. और चूंकि माइटोसिस बने हैं सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही हाफ. इसमें से किसी भी 2 गैमेट को मिला दो, इसको इसको मिला दो, ये तैयार हो गया एक जाइगोट. चूंकि 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मिलके बना है इसलिए 2n है डिप्लॉयड. नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट. अब चूंकि बेटा ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा एसेक्सुअल था जिसमें स्पोरोफाइट से बने स्पोर्स, और फिर ये दूसरा वाला हिस्सा जिसमें गैमेट से जायगोट बना सेक्सुअल था। जब कोई ऐसी कोई रिप्रोडक्शन हो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कन्वर्ट इनटू एसेक्सुअल और एसेक्सुअल कन्वर्ट इनटू सेक्सुअल हो रही हो, ऐसी लाइफ साइकिल को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मैंने लिख भी दिया। Alternation of generation. A process in which sexual reproduction converts into asexual or vice versa. It was acceptable to call it. That is correctly. Alva sporophyte. Number of chromosome 26 spores ये MCQs में आता है, इसको अलग से भी लिखता हूँ। Spores 13 number of chromosomes. Gametophyte thirteen number of chromosomes. Gametes thirteen number of chromosomes. Zygote 26 number of chromosomes. 2n n n n 2n. Achha ji, agli baat. Spores, four flagella, gametes, two flagella, zygote, four flagella, any quadriflagellated, yeah, biflagellated. ओके okay. ये तो था एलजी। अब आते हैं जरा प्रिमिटिव फंजाई पे, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। Fungi like Rotoctista, इसे हम और क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं primitive fungi, क्योंकि fungi के जैसे हैं और ओमाइकॉट्स में।
fungi like features. Non-chlorophyllic. Non-motile. Sinusitic. Hyphae. Features जो कि different है from fungi. वो एक ही fungi की जो cell wall होती है ना, बनी हुई होती है काइटिन, मगर इसकी as it is वही बनी हुई है. Cellulose. एक मिनट दीजिएगा मुझे. Their cell wall is made up by cellulose instead of काइटिन. चलो इसकी भी दो है हमारे पास, दोनों को रीड करते हैं. स्लाइम मोल्ड इट्स अ मल्टी cellular fungi like protist found in forest growing फॉलीज, जो पत्ते गिर जाते हैं टूट कर उनके ऊपर सरी ग्रोथ करते हैं. एडल्ट एंड मैच्योर्ड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड is called plasmodium. Slime mold can reproduce asexually
सेक्सुअल। जरा बात को सुनो, देखो जब तुम इसको देखोगे तो ये फंगस तुम्हें कुछ इस तरह से नजर आए, स्ट्राइटेड होता, लाइनी से बनी हुई इसकी कॉलोनी। इसके अंदर फॉर्मेशन होती है स्पोरेंजियम्स की, जिसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। कहलाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के रप्चर होने से, हवा का प्रेशर या पानी के प्रेशर से ये रप्चर होता है, ये अंदर मौजूद स्पोर्स इतने तादाद में हो जाते हैं कि अंदर टूट कर बाहर आ जाते हैं। ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है ना, जो फटी है, इस मेम्ब्रेन को हम कॉल्यूमेला कहते हैं। कॉल्यूमेला, ये जो स्पोर्स बाहर निकलते हैं, ये बाहर आके जर्मिनेट होते हैं एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हिच इज आइडियल टेम्परेचर होता है स्पोर्स। तो ये आके जर्मिनेशन करेंगे, बजाय इसके कि जर्मिनेशन करके वो नए स्लाइम मोल्ड में कन्वर्ट हो, वो मियोसिस के जरिए डिवाइड हो जाता और रिजल्ट में एक डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं, सेक्स सेल्स कहलाते हैं, दे आर द गैमेट्स, लेकिन आई शेप होते हैं। इनके मिलने से फ्लैचिला होता है, इनके अंदर हमारे पास बनता है जाइगोट। मगर ये जाइगोट एक इमेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो बहुत ही अजीब है क्योंकि वो मोटाइल होती है। ये येलो कलर का होता है, और इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। सीलिया भी होते हैं इसमें हरकत के लिए। फिर ये मैच्योर होके दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है स्लाइम मोल्ड। देखिए बेटा, इत्तेफाक की बात, ये स्लाइम मोल्ड की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि स्लाइम मोल्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे, बहुत कम लिविंग्स हैं कि जब हम उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम ये वर्ड कहते हैं भाई इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ना ये किसी को फायदा देते और ना ही ये किसी को नुकसान देते, ना किसी को फायदा देते ना ही किसी को नुकसान देते। उसकी वजह ये, इनका कोई रिएक्शन ही नहीं, इनका कोई रिएक्शन ही नहीं। ये एंटीबायोटिक बनाई गई, इनसे एंटीबायोटिक बना के दी गई, ये एंटीबायोटिक में भी कुछ नहीं किया इन्होंने। एज एंटीबायोटिक आप इनको देते, ये बॉडी में जाके कोई एक्शन ही नहीं करते एज एंटीबायोटिक। और जब इनसे ये देखा गया कि जनाब ये नुकसान किस किस को देते हैं, तो पता चला ये किसी को नुकसान भी नहीं देते। मतलब ये इतने अंडर ऑफ रिसर्च हैं, ये इतने अंडर ऑफ रिसर्च हैं कि इनको बहुत सारे लोग एलियन स्पीशीज भी कहते हैं। मतलब हम ये भी मानते हैं कि शायद ही हमारी लाइफ हमारी प्लेनेट का नहीं है, किसी और प्लेनेट से आगे। अजीब अजीब स्टोरीज है इसकी, हमारे पे इतनी लंबी स्टोरीज नहीं है। वाटर मोल्ड, इसका एक दूसरा नाम भी है क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस।
इट्स अ पैरासाइटिक फाउंड ऑन पोटेटो प्लांट्स. And it causes late blight of potatoes. Disease का नाम potatoes पे एक brown रंग की बारीक सी layer आना शुरू हो जाती है, उसको हम लेट ब्लाइट पोटैटो. अगर पोटैटो को इंसान खा ले इसी फंगल डिजीज के साथ तो मर जाएगा. 1890 में आयरलैंड में डेथ हुई थी अच्छी खासी, वहीं पे डिस्कवर हुआ था. ऑप्टिमम टेम्परेचर for growth and water mold is 21 degree centigrade. उसके लिए 27 चाहिए था ना slime mold के लिए. 21 degree centigrade and 100% humidity. बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी. बॉडी इज मेड अप बाय हाइफी. इसकी बॉडी की जो ब्रांचेस होती है उन्हें हम हाइफी कहते हैं, which are branched. बहुत सारी ब्रांच. चले जी खत्म, ये चैप्टर हुआ यहाँ पर खत्म. जरा पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ली, मैं ऊपर से खोलता हूँ, स्क्रीन शॉट लेते जाइए. वेट इट. जी ना, यहां से स्क्रीन शॉट लेना शुरू करें. मैं चेंज करता जाऊंगा स्लाइड.
आप लोग स्क्रीन शॉट ले रहे हैं या सो रहे हैं? जी सर ले रहे हैं। अच्छा बेटा, अभी तक हमने यही चैप्टर्स किए, चैप्टर 1, 6, 12 एंड 7।
चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 6 बैक्टीरिया वाला चैप्टर, चैप्टर 12 न्यूट्रिशन वाला, चैप्टर 7 जो अभी हमने किया है, यही चार चैप्टर किए, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया ना। जैनब, जैनब बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बेटा यही चार चैप्टर किए, ये बैक्टीरिया वाला चैप्टर जो हमने बैक्टीरिया का किया था, ये न्यूट्रिशन, ये जो अभी हमने किया है, और ये वन जो इंट्रोडक्शन था जो हमने क्लोनिंग हाइड्रोपोनिक्स वगैरह किया था। सर भी हम डाइजेशन वाला भी तो कर चुके हैं। वही बेटा, ये चैप्टर 12 वही तो है डाइजेशन। जी सर, फिर वही है। अच्छा बेटा देखो, एक मिक्स टेस्ट हुआ था 1 और 6 का, ठीक है। अच्छा 12 का टेस्ट मैंने लेने को कहा था, लेकिन फिर वो फिजिकल क्लास से ऑफ हो गई, तो अब आपके टेस्ट तो होने, तो मैं चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट लेता हूँ। अभी अब कोचिंग कॉलेज से मालूम कर लूँ कि अगर उनके पास कोई तरीका है तो ओके, वरना फिर मैं इसको अपने तरीके से ऑनलाइन टेस्ट करूँगा चैप्टर 12 का। तो आप लोग चैप्टर 12 को जरा तैयार करना शुरू कर दें, कल मैं आपको बता दूंगा इसके टेस्ट करना कि कब, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर 8। आज यहीं पर ऑफ करते हैं, क्योंकि अगर आज चैप्टर शुरू कर भी दिया तो सारे आधे ही रहेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके है जी सर।